जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर आपको पता है एसएससी एमटीएस 2020-21 के ऑनलाइन फॉर्म का जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कुल कितने क्या फॉर्म जो है फिलअप हुए हैं। दूसरी चीज़, जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए क्या दोबारा लिंक एक्टिव होगा, डेट आगे बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर फॉर्म आपने जिन्होंने भर दिया है वो अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि पेमेंट हुआ है या नहीं, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, फॉर्म गया है या नहीं, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है आप लोगों के फॉर्म फिलअप पर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कितने क्या फॉर्म जो है इस साल जो है भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 2019 का जो फॉर्म फिलअप हुआ था तो एसएससी जो है इसका ऑफिशियली डाटा जारी करता है। ठीक, तो यहाँ पर एसएससी ने अभी 2020 का डाटा तो जारी नहीं किया है, लेकिन 2019 का जब डाटा जारी किया था तो उसमें लगभग 38 लाख से भी अधिक जो है फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी एसएससी एमटीएस 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है लगभग 50 लाख से भी अधिक फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। ठीक है, ये ऑफिशियली डाटा नहीं है, एक एक्सपेक्टेड डाटा है कि यहाँ पर 50 लाख से अधिक फॉर्म 2020-21 में आए हुए हैं। अब यहाँ पर फॉर्म का जो लिंक है वो 21 तारीख को ही 11:30 बजे रात को डीएक्टिवेट हो गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर्वर की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं किया है। फॉर्म फिलअप, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है उनको एक प्रॉब्लम आ रही कि अब सर्वर नहीं चला तो हमने फॉर्म फिलअप नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पर कोई लिंक किसी प्रकार का एक्टिव होगा। ठीक है, कि फॉर्म फिलअप कर सकते हो आप। ठीक, यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया वो एसएससी जीडी 2021 के लिए भर सकते हैं। वो बहुत जल्द आपके उसका लिंक जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बोल रहे थे कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया मैं कैसे चेक करूँ आपका फॉर्म जो है गया या नहीं, फिलअप हुआ या नहीं, पेमेंट हुआ या नहीं। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप जो है कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप एसएससी की जो आई ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आपका जो यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। ठीक है, जो भी आप लोगों का नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, और ये जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा यहाँ पर आपको डाल के लॉगिन कर लेना है। अब जैसे ही ये सभी चीज़ें जो फिलअप करके आप लॉगिन करते हो तो एक नया पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री और नोटिफाई रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट मार्क। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2021 20 एग्जामिनेशन दिया हुआ है। ठीक है जी, कि यहाँ की लास्ट डेट जो थी आप लोगों की 23/3/2021 तक आप पेमेंट कर सकते हो, 21 दिन तक आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब इसका डेट जो है आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन दिया होगा, प्रिंट दिया होगा, डाउनलोड, ऑफलाइन चालान, पेमेंट, ठीक है, पेमेंट स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस और जो है ये सभी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। अब अगर आपको यहाँ पर उसका प्रिंट निकालना, आपने फॉर्म फिलअप किया प्रिंट नहीं ले पाए तो यहाँ पर आप करके प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड ऑफलाइन चालान, अगर आपको ऑफलाइन चालान पढ़ाना है तो यहाँ से आप पेमेंट करना है तो यहाँ पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। फॉर्म का स्टेटस देख सकते हो और एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, जो पेमेंट का स्टेटस है वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। तो एप्लीकेशन स्टेटस पे अगर आप देखना तो आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिकेंगे तो यहाँ पर यू हैव नॉट अप्लाइड दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैंने इसको इस आईडी से लॉग इन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो यहाँ पर ये इस टाइप से मेंशन हो रहा है। ठीक है, अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म आप लोगों का पेमेंट हुआ है या फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये सभी चीज़ें यहाँ के आकर आप जो है इसके माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी, जिनको डाउट था कि फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि एसएससी एमटीएस हो या एसएससी की कोई भी भर्ती हो उससे जुड़ी अपडेट आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।